सिमरिया विधानसभा से इंडिया महागठबंधन के जेएमएम प्रत्याशी मनोज चंद्रा ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ किया नामांकन। चतरा सिमरिया विधानसभा के इंडिया महागठबंधन के जेएमएम प्रत्याशी मनोज चंद्रा ने सिमरिया एससी सीट 26 से अपना नामांकन अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी सन्नी राज के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन में हजारों कार्यकर्ता और समर्थक शामिल थे। नामांकन के दौरान कार्यकर्ताओं और समर्थकों में काफी उत्साह देखा गया। उनका नामांकन का काफिला सिमरिया डाक बंगला से अनुमंडल कार्यालय तक काफिला जारी रहा। नामांकन के पश्चात सिमरिया करबला मैदान में एक बड़े जनसभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी गांडे विधानसभा की विधायक कल्पना सोरेन शामिल होंगी। चतरा से फहीम अहमद की रिपोर्ट। जी, अभी मैंने महागठबंधन की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया है। महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में, जिसमें हमारे सभी लोगों का समर्थन प्राप्त है, मैंने अपना काफिला सुभाष चंद्र बोस जी को माल्यार्पण करके किया। इसके बाद उसमें सभी हमारे गठबंधन के सभी साथी मौजूद थे। काफिले के साथ हम लोग आए और अनुमंडल कार्यालय में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। अभी इसके बाद हम लोग एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें हमारे माननीय गांडे विधायक श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी उपस्थित होंगी। और एक बड़ी जनसभा है जिसमें गठबंधन दल के सारे हमारे जो नेता कहने वो मौजूद रहेंगे, और एक जो है सो एक पूरे विधानसभा को अच्छे संदेश देने के लिए। अब तक आप किस किस पार्टी से चुनाव यहाँ लड़ चुके हैं? देखिए, अभी तो मैं जानता हूँ, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से हूँ और झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव लड़ रहा हूँ, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विश्वास हम पर है। और ये सीट जो है सो हमारे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के विश्वास का सीट है, और उनको विश्वास हम लौटाएंगे जीत के रूप में।